जूहीज किचन एंड टिप्स में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो फालूदा मिक्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, रोज़ फ्लेवर, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं और उसको आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वेकफील्ड का फालूदा मिक्स मैंगो है यहाँ पे 200 ग्राम का, और हमने यहाँ पे इसको 62 रुपये में बाय किया था। तो चलिए देखते हैं इसको ओपन करके। ओपन करने के बाद ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मैंगो की तरह। और इसमें सब्जा बीज भी ऐड है, इसमें शक्कर भी ऐड है, और इसमें किशमिश भी है, सेवैयाँ भी है। और अब यहाँ पे हमने 1 किलो दूध ले लिया है, और 200 ml यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया। इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। ये यहाँ पे बॉयल होने लग गया है। अब ये पाउडर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसे हम धीरे धीरे चलाते हुए पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे, इसको हाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा नीचे से पकड़ लेगा। और यहाँ हम आधा चम्मच इसमें सब्जा बीज ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो ऐड करिए, ये ऑप्शनल है, और नहीं तो इसमें पैकेट में तो होता ही है। हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने थोड़ा और ऐड कर लिया। अब इसे 15 मिनट तक हम पकाएंगे, और जैसे ही जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर और अच्छा होता जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें 5 मिनट और पकाना है भी, थोड़ा सा गाढ़ा हुआ, थोड़ा सा हमें 2 मिनट और पकाना है यहाँ पे। इसके बाद इसे हम फ्रिज में रखेंगे 2 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए। ये हो गया है, और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पर पहले ठंडा करेंगे, उसके बाद फ्रिज में इसको रख के 2-4 घंटे के लिए ठंडा करेंगे। अब यहाँ पे आपको गार्निशिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए इसकी थिकनेस देख लीजिए कितनी अच्छी है, इतनी ही चाहिए। और इसमें आप अपने पसंद की कोई भी आइसक्रीम, यहाँ पे मैंगो मेरे पास थी, मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम, तो उसको ऐड किया। आप चाहे तो वनीला ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आइसक्रीम वो ऐड कर सकते हो, ऊपर से जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा अनार का दाना डाला, ये भी ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डालिए, नहीं तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, आप जैसे भी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे देखिए यहाँ पे अच्छा लग रहा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।